हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए इस वीडियो में हम आज मूल अनुवांशिक सिद्धांत या बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, जैसे इसमें क्या होता है कि एक लड़के का जन्म कैसे होता है, एक लड़की का जन्म कैसे होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, क्रोमोजोम कितने पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर, इस तरह कई क्वेश्चन इस टॉपिक से क्रिएट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मानव शरीर। तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका क्या होती, केंद्र क्या होता है कि केंद्रक में छड़ी के आकार की संरचना होती है जिसे क्रोमोजोम की संज्ञा दी जाती है। तो क्रोमोजोम क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में छड़ी के आकार की संरचना को क्रोमोजोम कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, प्रत्येक कोशिका में 46 यानी 23 जोड़ा होती है। तो प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, या इसको 23 जोड़ा, 23 का डबल कर दीजिए तो ये भी टोटल 46 ही हो गए। परंतु जनन कोशिका होती है, जो जर्म सेल होती है, उसके अंदर केंद्रक में केवल 23 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। हाँ, जब पुरुष टेस्टिस से निकलने वाले शुक्राणु की कोशिका स्त्री के ओवरी से निकलने वाले अंडाणु की कोशिका से मिलती है, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है, तो 23 क्रोमोजोम शुक्राणु के और 23 क्रोमोजोम अंडाणु के दोनों मिलकर नए जो जीव होता है, जो उसमें क्रोमोजोम की उचित संख्या यानी 46 बना देती हैं या 23 जोड़ा बना देती हैं। तो इस प्रकार हम क्या समझते हैं कि यहाँ से जब एक बच्चे का जन्म होता है या गर्भधारण होता है, तो उसमें क्या होता है, 23 क्रोमोजोम शुक्राणु से और 23 क्रोमोजोम अंडाणु से मिलकर 46 यानी 23 जोड़ा क्रिएट करते हैं, जिससे एक लड़का या लड़की का निर्माण होता है या जन्म होता है, मान लीजिए। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जब एक नए जीव का निर्माण के लिए कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, 46। तो इसमें क्या होता है कि आगे देखते हैं, 22 जोड़ों का आकार स्त्री तथा पुरुष दोनों में समान होता है। तो और इन्हें ऑटोजोम्स कहा जाता है। ऑटोजोम्स किसे कहा जाता है, जो समान होते हैं पुरुष और स्त्री में, जो क्रोमोजोम समान होते हैं उनको ऑटोजोम्स कहा जाता है। और क्रोमोजोम्स का जो 23वां जोड़ा होता है सेक्स के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो वो पुरुष और स्त्री में अलग होता है। स्त्री में तो ये समान होते हैं सभी, परंतु पुरुष में भिन्न होता है। जैसे स्त्री के अंदर पाए जाते हैं एक्स एक्स, और पुरुष के अंदर क्या होता है, एक्स वाई पाया जाता है, 23वां जोड़ा वाई होता है। तो इस प्रकार आगे देखते हैं कि सेक्स क्रोमोजोम दो तरह के होते हैं, एक लंबा क्रोमोजोम और एक दूसरा नाटा क्रोमोजोम या छोटा क्रोमोजोम भी बोलते हैं इसको। लंबा क्रोमोजोम को एक्स क्रोमोजोम कहा जाता है और छोटा नाटा क्रोमोजोम को वाई क्रोमोजोम कहा जाता है। पिता में एक्स और वाई दोनों होते हैं, माँ में केवल एक्स होते हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि माँ के एक्स से पिता के एक्स से मिलाप होता है, तो इस प्रकार क्या होता है कि लड़की उत्पन्न होती है इसमें। और जब पिता के वाई से माँ के एक्स से मिलता है, तो ऐसी अवस्था में लड़का। तो इससे क्या समझते हैं कि जैसे एक्स एक्स का मिलाप होता है तब तो लड़की का जन्म होता है, और एक्स और वाई का मिलाप होता है तब क्या होता है, लड़के का जन्म होता है। तो आगे देखते हैं, क्रोमोजोम में ही क्या होती है, एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। तो जीन क्या होते हैं, क्रोमोजोम के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना जीन कहलाती है। तो जीन देखते हैं इसका क्या महत्व है। इसके द्वारा क्या होता है कि माता पिता के अपने और अपने पुरखों के गुण अपने पुत्र या पुत्रियों में आता है। इससे जीन्स क्या होता है कि अनुवांशिक गुणों का संचार होता है या संचरण होता है। तो जीन्स किसके लिए महत्वपूर्ण है, अनुवांशिक गुणों के लिए, संचरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक ही क्रोमोजोम में सैकड़ों जीन हो सकते हैं, सैकड़ों जीन्स मतलब सैकड़ों गुण हो सकते हैं अलग अलग तरह से। प्रत्येक जीन्स का संबंध एक खास गुण के निर्धारण से होता है। 1950 में विशेषज्ञों द्वारा पता लगाया कि जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु होते हैं, जिसे डीएनए और आरएनए कहा जाता है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, जीन का ही एक पार्ट है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए में विशेष गुण होता है जो माता पिता से बच्चों को मिलते हैं या संचित रहते हैं। इस बात का निर्धारण होता है कि जीव किस प्रकार के सील गुण विकसित करेगा। आरएनए तथा डीएनए को संदेशों को ढोया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि जीन द्वारा मिलते अनुवांशिक गुणों का संचार होता है।
तो जीन अनुवांशिक गुणों के संचार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यह भी आपको पता चल गया होगा इस चीज से। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम के जोड़ों के दोनों सदस्यों में एक ही गुण वाले जीन्स होते हैं, तो इसलिए जीन के भी जोड़े होते हैं। तो एक ही गुण वाले जीन्स होते हैं, मान लीजिए दोनों सदस्य हैं, माता है पिता है, एक ही गुण दोनों में विद्यमान है, मान लीजिए सील गुण है, मान लीजिए कोई भी, तो वो दोनों में समान है, तो लड़के में भी सील गुण उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा होगी। और यदि किसी के माता में एक गुण अधिक मात्रा में है और पिता में कम मात्रा में, तो प्रबल जीन्स की होने की संभावना ज्यादा होती है, जो प्रबल होता है, डोमिनेंट होता है, उसकी होने की संभावना अधिक होती है। तो ये आगे इसमें दे रखा है, ये दोनों जीन्स अपने अपने क्रोमोजोम्स में खास जगह पर होते हैं, ऐसे क्रोमोजोम को होमोलोग लोगस क्रोमोजोम कहा जाता है, और ऐसे जीन्स को होमोलोगस जीन्स भी कहा जाता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और क्रिएट हो गया, होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं और होमोलोगस जीन्स क्या होते हैं। ये दोनों होमोलोगस जीन्स समरूप या असमान हो सकते हैं, जब वे समान होते तो निश्चित रूप से संबंधित गुण दिखता है, और दोनों जीन्स मान लीजिए हकलाने का ही है, तो शिशु अवश्य हकलाएगा। तो मान लीजिए एक शिशु के माता पिता दोनों ही हकलाने वाले हैं, तो उनका शिशु भी क्या होगा, हकलाने वाला होगा। तो ये हमने पढ़ा जीन्स क्या होते हैं। और ऐसा भी संभव होता है कि कई बार ऐसा भी संभव है कि ये होता है जो दोनों जीन्स समरूप न होकर समान हो, समान हो तो ऐसे जीन्स को एलल्स कहा जाता है, एलल्स कहा जाता है ऐसे जीन्स को जो समान नहीं होते। जैसे संभव हो कि जोड़े का एक जीन हकलाने का हो, दूसरा जीन सामान्य ढंग से बातचीत करना है का हो, ऐसी अवस्था में जीव में कौन सा गुण विकसित होगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा इन दोनों में से जीन प्रबल है। और मान लीजिए दो अप्रबल हैं, तो उनकी अप्रबल जीनों की द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चे में भी उनकी संभावना न के बराबर होगी। तो इसमें यही देखा है इस पैसेज में आगे। और अब देखते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। कुछ अज्ञात कारणों से कभी कभी व्यक्ति में सामान्य से अधिक एक्स या वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं। जन्म के पहले दिन यदि बच्चे के खून से लेकर एक विशेष प्रविधि जिसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है, यदि जांच की जाए, तो यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि बच्चा या बच्ची में क्रोमोजोम्स का सामान्य जोड़ा अर्थात एक्स वाई या एक्स एक्स है, और इस सामान्य संख्या से एक्स या वाई ज्यादा या कम है। क्रोमोजोम के जोड़े में ऐसे तो कई तरह की असमानताएं पाई जाती हैं, परंतु प्रमुख असमानताएं होती हैं एक्स एक्स वाई की असमानता, एक्स वाई वाई की असमानता, और एक्स ओ की सामान्यता। तो ये असमानताएं होती हैं, कई बार पाई जाती हैं, ये तीन तरह की होती हैं, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई वाई और एक्सो। आपने सुना होगा कि इस प्रकार के जो असमानताएं होती हैं, इनमें कई प्रकार के गलत या मान लीजिए इनके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एक्स और एक्स और वाई, ये तीन यदि मिलकर किसी व्यक्ति में है तो इससे क्या होगा कि देखने में पुरुष जैसा लगता है, परंतु अपरजाई होता है, इसको उभयलिंगी भी कहा जाता है, और इसे क्लाइन फिल्टर सिलेक्शन भी कहा जाता है। और एक्स ओ है जिसके अंदर की असमानता में महिला होते हुए भी महिला का गुण नहीं पाया जाता, ऐसी औरतें बांझ होती हैं, एक्सो में क्या होता है, बांझ होती है। और टर्नर सिलेक्शन भी कहा जाता है इसको, एक्स वाई वाई की जिसमें असमानता होने पर पुरुष अपराधी हो जाता है, अपराधी प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की ये एक्स और वाई होते हैं जो क्रोमोजोम होते हैं, ये पाए जाने पर व्यक्ति क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है, एक्स वाई वाई पाए जाने पर। तो ये हमने पढ़ा मूल अनुवांशिक सिद्धांत कैसे निर्माण होता है, जीन्स का, क्रोमोजोम क्या होते हैं। तो इन सभी को इस वीडियो में हमने अच्छी तरह से सीखा है, यदि समझ में ना आया तो दोबारा देख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।